ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां एबीपी नेटवर्क की खास पेशकश आइडियाज ऑफ इंडिया का मंच सजा है। एबीपी नेटवर्क के मंच पर देश के बेहतरीन दिमाग वाले दिग्गज भविष्य के भारत की सोच अपने सामने रख रहे हैं। मतलब नागेश को पसंद नहीं है, इसलिए नागेश अपने हिसाब से हीरो चुन लेते हैं, हीरोइन चुन लेते हैं। That's a huge factor in my decision making. I worked with two big actors. I worked with Akshay, I worked with John. And both of them have great reputations about being on time, about... So I actually considered that before working with them. I was like, okay, their reputations are damn good. Okay, I'm good to go. अब कबीर, क्योंकि स्टार्स की बात चली है और ये एक सच भी है, अब से कड़वा कह लीजिए, मीठा कह लीजिए, कि उनके बिना चलेगा भी नहीं और वो ज़रूरत भी हैं एक फिल्म की, सबसे बड़ी ज़रूरत स्टार्स ही हैं। जब आप किसी स्टार के पास जाते हैं, बड़े स्टार के पास, आपने बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट अपनी फिल्मों में ली है, और आप उसको पूरा इन्वॉल्व होकर नरेशन सुनाते हैं और वो रिजेक्ट कर देता है, तो वो फीलिंग ऑफ डिफीट है और इट इनकरेजेस यू टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट, प्रेरणादायी है कि भैया मुझे जाके कुछ अच्छा करना है तब मैं इसको कन्विंस कर पाऊंगा, क्या उस समय क्या मन में आता है जब वो रिजेक्ट कर देता है आपके प्रोजेक्ट को? नहीं देखिए, ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं और आप उनको कहानी सुनाते हैं और अगर वो बोले कि नहीं हम इस कहानी में नहीं काम करना चाहते, तो ऑब्वियसली इट्स नेचुरल एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन ऐसा कोई सेंस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, बिकॉज देखिए कहानी है, सबको सेम कहानी पसंद नहीं आ सकती। मेरे को अगर पसंद है, अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये कहानी है जो मैं बनाना चाहता हूँ, देन आई विल फाइंड कोलैबोरेटर्स। और ज़रूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट चॉइस जो था एज एन एक्टर उसको वो एक पर्सपेक्टिव या नज़रिया मेरा समझ में आए, तो अगर उन्होंने बोला कि हमें ये समझ में नहीं आ रही है, तो हाँ डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार इनको नहीं आई समझ में, लेकिन बिल्कुल ही सेंस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता है। देन यू मूव ऑन एंड इट्स बेटर, बिकॉज there's nothing better than, as Nagesh said, it's nothing better than having a willing collaborator. कोई फायदा नहीं, आप सबसे बड़ा स्टार ले लेंगे, वो स्टार वो पिक्चर अगर करना ही नहीं चाहते तो वो they will sleepwalk through it. ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, मन में ये भी आता है जाओ मैं तुम्हें कभी लूंगा ही नहीं अपनी फिल्म में, बिकॉज कबीर खान इज अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर और मुझे लगता है कि हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस आपके साथ काम करना चाहते होंगे जिस तरीके के हिट्स आप देते हैं, तो क्या कभी ये फीलिंग भी आती है अब जाओ मैं तुम्हें दरवाजे पे आऊंगा नहीं? सच सच बताइएगा। नहीं, नहीं, ऐसा 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 कभी नहीं हुआ है, बिकॉज देखिए मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं एंड विदाउट एग्जैजरेशन एक इंसान को नहीं जानता था इस इंडस्ट्री में, लाइक नॉट वन पर्सन। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, लोग कहते थे बताना नहीं लोगों को डॉक्यूमेंट्री बता कर, डॉक्यूमेंट्री वॉज कंसिडर्ड अ बैड वर्ड कि यार ये बहुत बोर करेगा हमें। सो आई हैव डन द ड्रिल्स। मैं अपनी पहली फिल्म काबुल एक्सप्रेस के लिए मैं हर स्टूडियो के पास गया हूँ, हर एक्टर के पास गया हूँ, बहुत सारे लोगों ने मना किया है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू राइट, आप थोड़ा सक्सेस मिल जाता है तो ज़्यादा लोग आपके साथ काम करने आ जाते हैं, लेकिन यू शुड ऑलवेज फाइंड द करेक्ट कोलैबोरेटर फॉर योर स्टोरी। अगर जब वो बैलेंस करेक्ट बैठता है ना, तो वो पिक्चर अलग ही बनती है। आनंद मिल रहा है। अब दौर ये है कि एक्टर्स जो हैं वो स्टोरी रीड नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप अगर उनको स्टोरी जाके दे दीजिए तो कहते हैं यार पढ़ नहीं सकते, नरेट कर दो, नरेशन दे दो, और वो नरेशन आनंद एल राय के लिए कितना मुश्किल होता है उस ड्रामेटिक वे में एक एक लाइन को एक एक डायलॉग को बताना, आप कैसे करते हैं? एक तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मतलब ये जो प्रोसेस आप डिस्क्राइब कर रही हैं थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक है, इतना है नहीं। थोड़ा सा आई थिंक ये हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं एक्टर्स को। एक एक्टर जो आपने कबीर से पूछा कि एक एक्टर जब एक कहानी मना करता है, तो हम लोगों का काम है ये एक कहानी सुनाना एक एक्टर को, उसे पसंद आएगी तो वो करेगा। कई बार हम भी तो अपना एक्टर चुनते हैं, कोई एक्टर हमारे साथ काम करना चाह रहा है और हमें उसके साथ नहीं बनानी, तो इसमें बुरा मानने की बात दोनों तरफ नहीं, से नहीं, मैं बुरा मानने नहीं, मैं कह रही हूँ कितना मुश्किल होता है उस फीलिंग के साथ उस पूरे ड्रामा को उस एक्टर के सामने क्रिएट करना और कि वो कन्विंस हो जाए, बिकॉज आप एक छवि बना के गए हैं उस हीरो की कि मुझे यही हीरो चाहिए या यही हीरोइन चाहिए। नहीं, और नहीं, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी काम ही है हमारा, उसको अपने एक्टर के सामने रखना। और विश्वास कीजिए, इस वक्त पिछले कुछ सालों से, मैं बोल सकता हूँ पिछले 5 सालों से, हमारी इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिसिप्लिन है। हमारे बहुत सारे एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट बखूबी पढ़ते हैं, उन्हें पढ़नी आती है, और वो भी जल्दबाजी में हाँ नहीं करते हैं, और हम भी जल्दबाजी में एक एक्टर के पास नहीं पहुँच जाते। सो आई थिंक एक डिसिप्लिन आया हुआ है, और
वो चाहे एक्टर हो या डायरेक्टर हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसमें. उनका हाँ ना बोलना हमारी बेइज्जती नहीं है और हमारा उन्हें ना लेना उनकी बेइज्जती नहीं है. सो इट इज एक्चुअली अ क्रिएटिव स्पेस जहाँ पे एक्टर भी कंफर्टेबल हो, डायरेक्टर भी कंफर्टेबल हो, पूरी टीम कंफर्टेबल हो. तो जब उन्हें एक चीज़ हमें प्रेजेंट करनी होती है तो पूरे दिल से करते हैं हम लोग और उसी उम्मीद पे करते हैं कि उन्हें पसंद है. और अगर नहीं आती है तो उसकी भी वजह होती है जो डिस्कस की जाती है. सो इट्स अ प्रोसेस. हर नरेशन आपको और या एक एक्टर के पास आपकी कहानी के बारे में और कुछ बता देती है. ठीक है नागेश, आपका क्या मत है, जिस तरीके से स्टोरी नरेट करना ज़्यादा टफ है, एक्टर को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है? फिल्म बनाना तो बहुत ही आसान है. इट्स डीलिंग विद ऑल द बुलशिट दैट इट टेक्स अप 90% ऑफ योर टाइम. That any director can attest. मतलब देखिए आनंद जी, नागेश ने बता दिया कि narration जो है वो मैं narration करता ही नहीं. I am such a bad narrator. As a matter of fact, एक दो बार कोशिश किया मैं, especially when I made Door. We went to a couple of the bigger actresses back in the time because Subhash Gai was insistent. So I was so horrible. They all said no. And after the film was made, they called me and they said, "This is not what you narrated to us." So, anyways, so what I'm trying to say is exactly what they're saying is, it's not personal, you know. It's just the nature of the business. It's so subjective. Rejection is an everyday reality, and it goes up and down the food chain. It's not that directors face it, stars don't face it. Everyone faces it. If you're not tough enough to deal with it, find another business. Because in this, you need a bloody thick skin and you constantly have to get up off your knees and keep dusting it. That's the nature of the business. Kabir, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको. Thick skin. अच्छा कबीर, मैं आप पे आना चाहूँगी. रिव्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं आप लोग. फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई होती है और एक लड़का आता है स्क्रीन पे, कहता है बॉस दिस फिल्म विल नॉट डू गुड, विल वोंट परफॉर्म, ये नहीं चलेगी. कैसा लगता है या क्या क्या उस समय मन में आता है? मन में ये आता है रे यार रिलीज तो हो जाने दो प्लीज़. नहीं देखिए, पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, लेकिन एज यू सेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसका एक जो एक रेलेवेंस था वो आई थिंक इट्स बीन लॉस्ट. मैं जब मेरी पहली फिल्म में जिस किस्म का रेलेवेंस, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद माई कमर्शियल सक्सेस और नथिंग, इज़ जस्ट उस टाइम पे जिस किस्म के रिव्यूज़ आते थे. आजकल क्या है कि मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से कम 250 से 300 रिव्यूज़ आते हैं एक फिल्म के. अब कितना पढ़ लोगे? अच्छा, और 250 से 300 में इट रेंजेस, ऑलमोस्ट एवरी फिल्म रेंजेस फ्रॉम 1 to 5. तो हर फिल्म मेकर के पास वो चुनने का एक रहता है कि यार ये 5 वाले मैं रख लेता हूँ, ये 1 स्टार वाले हटा देता हूँ. बट वन खान ब्रदर इज रियली अमेजिंग इन गिविंग रिव्यूज, और उसको बहुत लोगों ने एकदम इग्नोर कर दिया है. बहुत एक्टर्स ने कह दिया है कि इसका रिव्यू हम सुनेंगे नहीं, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. वन ऑफ द खान क्रिटिक्स जो बहुत यूट्यूब पे आते हैं और फिल्मों की. देखिए मैं तो सिर्फ अपना कह सकता हूँ, आई एम इन नो वे गोइंग टू ट्राई एंड प्रिटेंड टू बी द स्पोक्सपर्सन फॉर एनीबडी एल्स इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन मैं अपना बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ. अब कुछ लोग हैं, देखिए क्या है कि एंड दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू से, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स के भी अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीका होता है. तो जो क्रिटिक्स हैं ना वो भी अलग अलग हैं. आई डोंट नो व्हाई वी अप्रोच क्रिटिक्स लाइक इन्होंने जो बोला होगा सच ही होगा. नहीं, उनको एक किस्म की फिल्म अच्छी लगती है, मुझे एक किस्म की फिल्म बनानी अच्छी लगती है. तो उसमें भी सेगमेंटेशन है कि यार इसको तो चोर पुलिस की कहानी अच्छी लगती है, उन्हीं को 5 स्टार देगा. इनको रोमांटिक स्टोरीज अच्छी लगती है, उन्हीं को लेगा. तो जस्ट लाइक us directors have different storytelling techniques, the critics also have different ways of approaching story. So I don't take them very seriously. Amongst them there are 4-5 names who over the years I find consistent. Main unko padh leta hu, unko seriously leta hu, unko phone karke unse baat bhi kar leta hu. आनंद एल रहे, आप रिव्यूज को पढ़ के आप कितना सीरियसली लेते हैं, कितना विचलित होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक डायरेक्टर अपना, मुझे पता है कि एक बहुत लंबी चौड़ी मेहनत 1 साल की होती है, तब एक फिल्म आप पर्दे पर ला पाते हैं. और एक आते हैं क्रिटिक और वो ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं. ये भी एक एक्सपीरियंस है. पिछले कुछ साल तक मैं इन रिव्यूज़ को बहुत सीरियसली लेता था, बट फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मुझे अपनी ऑडियंस के पास पहुंचना है और ये जो एक अनसेड रिलेशनशिप है वो मुझे निभाना है.
और उस वो ये जो मेरे अंदर बदलाव आया उसकी एक वजह ये रही कि मुझे लगता है जैसा कबीर ने बोला कि कम से कम 200-250 रिव्यूज़ आते हैं, आप और आप किसको पढ़ के कौन सी बात अपने दिल से लगा लेंगे या कौन सी बात की वजह से आप अपनी फिल्म मेकिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। बट एज आई सेड हर डायरेक्टर का अलग नजरिया होता है एंड ईच टू हिज ओन। आनंद एल राय, ये फिल्म जब कश्मीर फाइल्स बनी इसके प्रमोशन के लिए कई शोज ने मना कर दिया, लेकिन जब सत्ता का साथ मिला या ये कहिए कि बीजेपी ने ये कहा कि ये सच बहुत सालों बाद सामने आया है, ये लोगों को देखना चाहिए, क्या वो हिट फार्मूला साबित हुआ इसके लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए? मैं जेन्युइनली क्योंकि मुझे कभी जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे एक चेहरा चाहिए होता है और ऑडियंस मेरे लिए कभी भी एक चेहरा नहीं हुआ, तो वो मैं हमेशा उसे महसूस कर पाया हूँ। जैसे मैंने उनको बोला कि उन्हें कोई चीज़ मेरी पसंद आती है तो वो मुझे ऑब्वियसली एक बॉक्स ऑफिस है जो आपको बता देता है कि इतने लोग गए देखने और इतना पैसा आपने कमाया, पर अदरवाइज ऑल्सो आपकी फिल्म को जो प्यार मिलता है, तो मुझे नहीं लगता ये ऑडियंस किसी के भी कहने पर फिल्म देखती है। कोई साथ है उसके या नहीं है, एक अच्छी फिल्म अगर आपको छू रही है और पहुंच रही है तो ही ऑडियंस देख रही है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा वो किसी एक इंसान के कहने पे या किसी एक सत्ता के कहने पे वो जाके वो फिल्म देखेंगे, उन्हें महसूस हो रही है इसलिए वो देख रहे हैं। फिल्म का चलने की वजह कोई ये नहीं हो सकती कि किसी ने आपको बोला देखने के लिए। बिल्कुल, और कोई भी फिल्म मुझे लगता है हिट तभी होती है जब वो ऑडियंस को, मास ऑडियंस को अपील करती है, वो कहानी, वो तरीका लोगों को पसंद आता है, किसी के कहने से कोई फिल्म नहीं देखता। नागेश, आप मुझसे सहमत हैं? मैं कश्मीर फाइल्स की बात कर रही हूँ, जिस तरीके का ऑडियंस उसको मिल रहा है और बहुत छोटे बजट में बनी हुई फिल्म करोड़ों कमा रही है, क्या वजह है कि वो एक सच में एक अच्छा सिनेमा बनाया गया है? हाँ, उसको बूस्ट ज़रूर मिल गया क्योंकि सत्ता ने कहा कि हाँ भाई ये सच बहुत दिनों बाद सामने आया और लोगों ने उसको माना और सुना, और क्या वजह है आप देखते हैं? आई हैवंट सीन द फिल्म सो आई रियली डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन सम फिल्म सक्सीड्स और फेल्स, I'm presuming that if it succeeds, there's an audience for it. If it fails, there's no audience for it. I mean, my answer is as general as that because I haven't seen it to have an opinion on it. ओके, यहाँ पे तीन डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तीनों ने नहीं देखी है, लेकिन चलिए उस फिल्म को लेकर क्योंकि बहुत विवाद हुआ इसलिए ये सवाल इस मंच से पूछा जाना बहुत ज़रूरी था। अब मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना चाहूँगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो मिले हैं डायरेक्टर्स को, कबीर चाहे आप हों, चाहे आनंद एल राय आप हों, चाहे नागेश आप हों, आपको क्या लगता है कि ये एक न्यू फाउंड फ्रीडम है आपके लिए कि अब आप किसी भी दिशा में, किसी भी भाषा के साथ, किसी भी तरह से फिल्म बना सकते हैं और इट इज़ अ मोर स्कोप ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू? It is a more scope of competition for you or newfound freedom for you, that these OTT platforms I'm talking about? नहीं, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर स्टोरी टेलर्स, हमें तो और ऑप्शंस मिल रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ कहानियां हैं जो आप जो मैं सोचता हूं कि हाँ दिस इज़ परफेक्ट फॉर अ बिग थिएट्रिकल रिलीज़, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं आई फील नो दिस इज़ ग्रेट फॉर अ सीरीज़, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए कैरेक्टर्स डिवेलप करने के लिए, स्टोरी डिवेलप करने के लिए, अगर वो हमें चॉइस दिया जा रहा है तो इट्स ग्रेट एज, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम स्टोरी टेलर्स हैं ना। कंपटीशन भी तो बढ़ गया, so competition is will only make you better. I think one can never be afraid of competition. Competition theatrical mein koi kam nahi hai. So I think it's great that many more storytellers are getting an opportunity. Ek entry barrier jo feature films hindi mainstream cinema ka hai, uski wajah se kafi new storytellers directors jo hain unko ho sakta hai ki opportunity nahi milti hai kyunki budget zyada hai ya jo bhi, OTTs ki wajah se I think naye naye awazein sunai de rahi hain hame, and that is very good and it's great for the audience, it's great for the industry. ठीक है, आनंद एल राय, आप और ट्रेडिशनल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, शानदार पिक्चर्स आप बनाते हैं, क्रॉस कल्चर भी दिखाते हैं आप, ओटीटी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना या एक सीरीज़ बनाना कितना मुश्किल लगता है आपको, या आपको लगता है नहीं ये मैं कर लूँगा और मैं बढ़िया करूँगा, फीचर फिल्म से ज़्यादा बढ़िया मैं ये बना लूँगा? नहीं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ओटीटी के आने से हमारे लिए प्लेग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया है और हम और कहानियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, वो कंपटीशन मुझे लग रहा है इनफैक्ट फिल्म मेकर्स को हेल्प ही कर रहा है टू गो बेटर। ये कंपटीशन आप देखिएगा आने वाले 5 साल में आपको
इस इंडस्ट्री से बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स मेकर्स राइटर्स निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन ज़रूरी था हम लोगों के लिए ये. और जितनी कहानियां हम सुनाएंगे उतना ही मुझे लग रहा है हमारा OTT के आने से हम लोग थोड़ा सा और ग्लोबल जाएंगे. ओके. वो चीज़ होगी. बाकी डेफिनेटली हमें OTT को डिलीवर करना, ये को एग्जिस्ट करेगा और हमें सीखना है. आप जब मैं टेलीविजन करता था उसका एक अलग फॉर्मेट होता था, एक अलग तरह की स्टोरी टेलिंग होती थी जो मैंने बहुत इन्जॉय की. पर जब मैं फिल्म्स में आया मुझे 4-5 साल लग गए इस चीज़ को समझने में. वो मेरा एक अपना सबैटिकल था ये समझने के लिए कि इसका एक इसकी एक अलग स्टोरी टेलिंग है, ये अलग फॉर्मेट है, इसकी एक अलग ऑडियंस है. अब ये डिजिटल है जो इन दोनों से बहुत अलग है. सो और अब आप देखिए धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि हमारे डिजिटल शोज भी बेहतर होते जा रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में और बेहतर देखेंगे. ठीक है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज द बॉक्स ऑफिस फिगर फॉर अ डायरेक्टर? यू नो उसकी क्रिएटिविटी पूरी दांव पर होती है और बॉक्स ऑफिस फिगर्स कितनी धड़कनों को ऊपर नीचे करता है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक डायरेक्टर के लिए. नहीं देखिए इम्पॉर्टेंट पैसा प्रोड्यूसर का लगा हुआ है. नहीं इम्पॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है कि वी कैनॉट से बॉक्स ऑफिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट बॉक्स ऑफिस कैनॉट बी द ओनली वे टू जज अ फिल्म. That's all. But ये नहीं कह सकते कि बॉक्स ऑफिस नहीं कोई मायने नहीं रखता. हम लोग सूफी नहीं है कि कुछ भी मतलब बनाए. देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन अ फिल्म एंड बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट बॉक्स ऑफिस अलोन कैनॉट बी द पैरामीटर टू जज अ फिल्म बाय. दैट्स द ओनली पॉइंट दैट आई वुड लाइक. नागेश, फॉर यू. आई हैव मोस्टली मेड स्मॉलर फिल्म्स, सो द बॉक्स ऑफिस इज इम्पॉर्टेंट, बट आई क्लियरली डोंट प्ले इन द लीग दैट these two directors do. So I play on the fringes. I'm very happy with my small stories and some numbers come up. I'm like, haha, okay. Hmm. And then you move on to the next one. So Anand, yeah. 100% बॉक्स ऑफिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप एक सर्टन साइज की फिल्म बना रहे हैं और एक प्रोड्यूसर का एक अमाउंट लग रहा है तो आपको रिटर्न. और जैसा कबीर ने बोला बॉक्स ऑफिस हम डिनाई नहीं कर सकते, पर हमारे लिए वो रिप्रेजेंटेशन भी तो उसी चीज़ का है कि आपकी फिल्म पसंद की गई या नहीं की गई. तो वो पैमाना भी है. ये एक पैमाना है. अब वो अनफॉर्चुनेट है कि वो पैसे से आपको समझ में आ रहा है कि आपसे कितना प्यार किया जा रहा है, पर है ये फैक्ट कि बॉक्स ऑफिस की मोहब्बत होना जरूरी है. समय कम है तो बस एक अंतिम सवाल और मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि डायरेक्टर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं. क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज और क्रिएटिव एडजस्टमेंट, जब एक स्टूडियो पैसा लगाता है उसकी एक डेडलाइन होती है, स्टार के अपने टैंट्रम्स होते हैं, आपको डिलीवर करना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, ऐसे में वो क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज क्रिएटिव एडजस्टमेंट वो कितना दुखदाई होता है एक डायरेक्टर के लिए. कबीर, दिस इज फॉर यू. क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज आई रियली डोंट एग्री विद, बिकॉज जैसे मैंने बोला एक प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल प्रोसेस होता है फिल्मों में. उसकी वजह से जैसे आपने कभी कभी कहा कि कुछ कम करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, कंट्रोल में लाना पड़ता है. हर चीज़ का एक लिमिट होता है, टाइम का लिमिट होता है, पैसों का लिमिट होता है, तो उसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, बट वो एडजस्टमेंट्स आपके लार्जर विजन में होते हैं. सो ऐसा कभी सिचुएशन नहीं हो कि जैसे आप जो कॉम्प्रोमाइज़ बोल रहे हैं कि आपको करना ये तो बिल्कुल उल्टा करने को बोल दिया, वैसा तो कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, जो थोड़े से एडजस्टमेंट्स होते हैं, थोड़ी सी जिसको एडिटिंग आप कहते हैं, एडिटिंग सिर्फ एडिट टेबल पर नहीं होती, एडिटिंग स्क्रिप्ट के लेवल पर भी होती है, शूटिंग के टाइम पर भी आप एडिट कर देते हैं, वो करना पड़ता है ऑफकोर्स, बिकॉज हर चीज़ एज़ अ सेट इज़ नॉट लिमिटलेस. मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल क्योंकि हम लोग भी क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, न्यूज़ बिजनेस से आते हैं. कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने होते हैं अपने प्रोग्राम बनाने में, अपने अपनी भावना को स्क्रीन तक पहुँचाने में. आपके लिए ये कितना मुश्किल होता है और कितना पेनफुल होता है? जैसा कबीर ने बोला कि वर्ड रिप्लेस कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की जगह एडजस्टमेंट बोल देते हैं. हाँ, मैंने दोनों शब्द इसीलिए इस्तेमाल किए. वो कॉम्प्रोमाइज़ ना थोड़ा डरावना सा लगने लगता है. क्रिएटिव एडजस्टमेंट ये लगभग वैसा ही है जैसे एक घर में मियां बीवी को अपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. अच्छा, ये मियां बीवी वाला एडजस्टमेंट है डायरेक्टर का अपनी फिल्म के साथ, अपने एक्टर्स के साथ. ओके, फिर वो अच्छा एडजस्टमेंट है, करते रहिए. नागेश, व्हाट अबाउट यू? ऑल ऑफ फिल्म मेकिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. बट लाइक बोथ आनंद एंड कबीर आर सेइंग, इट्स स्टफ दैट हैपेंस कंटीन्यूअसली. यू हैव दिस विजन ऑफ दैट एक्टर, यू डोंट गेट दैट एक्टर, यू फाइंड अनदर एक्टर एंड सडनली ही इज द बेस्ट. So did you compromise or did you just make an adjustment like he said? And in this process, you're continuously making adjustments. So you don't say that, oh
my God, I just compromised and ruined the whole film. But, you know, it's just a process of finding a way. वो पति-पत्नी वाली लड़ाई. बस बिल्कुल. Okay. Okay. Continuous arguments. अब ये लाल मार्क होने लगा है. मैं बिल्कुल closing उसकी तरफ हूँ. Boycott hashtag boycott Bollywood. इस पे आप मेरे व्यूज चाहती हैं? मैं आपके व्यूज चाहती हूँ. ये ट्विटर पे, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक मुहिम चली थी हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड. उस पे कबीर खान क्या सोचते हैं? हैशटैग डू नॉट बॉयकॉट बॉलीवुड. ओके. नहीं, मैं कुछ लोगों की वजह से ये हैशटैग बहुत कम लोगों का है मेरे हिसाब से. प्यार करने वाले दिल बहुत ज्यादा हैं इससे. नागेश. I'm not on any kind of social media. I deleted whatever existing accounts there were about a year and a half ago, and I'm a free man breathing free air. मैं वही कहने वाली थी कि सबसे ज़्यादा खुश कोई है तो वो नागेश है. Reviews नहीं पढ़ते, किस critic को सुनते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, किसी actor को narrate नहीं करते. Story is the happiest soul. And in 2006 December, I disconnected my cable TV. So I haven't watched any news since 2008. News भी नहीं देखते. ये लीजिए, हम इतने जोर-जोर से आपको न्यूज़ सुनाते हैं, आप न्यूज़ भी नहीं देखते. अब आप देखना शुरू करें इस सेशन के बाद. तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी और यहाँ पर मौजूद, मंच पर मौजूद इन तीनों डायरेक्टर्स का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हर सवाल का सामना किया और अपने व्यूज़, अपने विचारों को बहुत बेबाकी के साथ सामने रखा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. Wonderful conversation. Thank you to all our guests for joining in as well, and request you all to stay on stage as I invite Horma Sorabji, editor, Autocar India, as well as Mr. Neeraj Kansal, GST Commissioner, to kindly present a memento of our gratitude to our wonderful guests. Dekha jaye to what else represents the many different ideas of India than our films, and we are so thrilled that these filmmakers who represent our country on the screen have joined us today. Can we have the mementos on stage, please? Still pondering. Yeah. What keeps it alive even today? Yeah. But I think it was just what you said. To keep it that much ahead of its time, that it's still relatable to those with you and behind you and the future. But I think what appealed most was a very, very direct storytelling and subtlety, even in performances for that time, certainly. Of course, a brilliant script and brilliant dialogues. Yeah. Salim Javed, a superb score by R.D. Barman, lyrics Anand Bakshi, and of course, the lady sitting next to me was not part of Sholay, but Shaan after that. But R.D. Barman, yes. Yeah. Him and Mr. Bakshi, they together, they made some lovely mix. So all these things combined, I think holding Bachchan's arrival on the scene at that time in cinema, but the one character that stood out, of course, was Gabbar. Yeah. And because of that, I think... I want to talk about Gabbar, because I think people don't realize, I mean, we're probably not of that age, but before that, villains in decoyed movies were all these guys with big mustaches and were essentially caricatures. Gabbar was a completely different kind of villain, wasn't he? So how did you think of that? Yes, and he was there a bit by accident.
Yeah. Because Danny Danzongpa was... I don't know how many people know that. Danny Danzongpa wasn't able to play the role. And so Amjad Khan got it. Well, he was the obvious negative star of that time, the villain of the day. But, and we signed him. He still has that check, by the way. yes, I think by accident and by default, Mr. Amjad Khan moved in. And it was a last minute thing because we didn't want to miss the schedules. And one had to work a little harder on him because he was new. Yeah. He hadn't performed. The rest were all stalwarts. They'd done a hell of a lot of work. So it took a little time for him to get into the role and into things. But as we went along, it became part of this whole unit in such a way that he became an assistant director also. He became everything. So, no, he was fantastic. And the other thing was his voice. Yeah. A lot of people wanted it dubbed. Really? Absolutely. Saying why? Why? They just felt that here are three huge stars in front of them. Ek bhari bharkam awaz honi chahiye. And he was, he had this strange voice, which was not as baritone and like it was expected to be. But it was that tone that made it so different. And that laughter of his. Yeah. You can't dub that. Come on, you can't be. Yeah. So, Also, one more thing. People don't realize that when you signed Amitabh Bachchan for the movie, he was not Amitabh Bachchan. No, he wasn't. I think that's an important thing people forget. As a matter of fact, at a party, everyone said, Isko to mat lena. That's right. Is lambu ko to mat lena. He was such a fine actor. I'd seen him in that Anand, in which he played a serious role, and Bombay to Goa, in which he played a lighter role. So I said, yeah, the actor is, and I've got enough stars. Okay. That's how I was able to take that call. We have enough stars. Let's have a good actor and he'll fill the... He became bigger than all of them. So, Ramesh, what you've done, I mean, Gabbar Singh is one example. The casting of Amitabh Bachchan is the other example. The way in which you did this film, not shooting at Mehboob Studios or Filmistan, but recreating a whole township near Bangalore and shooting over there in a village, you've really always taken chances. Is that fair? Yep. No? The reason for going to Bangalore was that most of the dacoit films were rightly placed in the north, northeast, in the Chambal Valley. Chambal was the village. And that was, how could I make it different, was what my thinking was. So before jumping and going straight there as everyone else did, so let's have a look at least. I sent a couple of people down south, the art director and his crew, and they took some photographs and came back from the south. Mm. And why? We'd seen these Western films, a lot of them. Yeah. McKenna's Gold and Magnificent Seven and all, Butch Cassidy and this. So I said, why not these huge, big rocks and things? So he said, I know a place that has all this. So he went there, he got this. And once we saw it, I mean... You were sold. I was sold. Yeah. Salim Javed, he told me now, Javed told me very recently, actually when we came to the location, we felt, what is Raveshji trying to do? This is not dacoit territory. Will it look right? Yeah. But now we know. But you weren't making Mera Gaon, Mera Desh, Mujhe Jeene Do. You had a very, very different look for the film. Yes? The other place where you took chances and it's your follow-up is Shaan. Now, Shaan, in my view, is in many ways a better movie than Sholay. It was just 20 years ahead of its time. But that's a discussion for another time. But one chance you took with Shaan was you moved away from the standard music players of that time. And you had Usha Uthup, who I see sitting over here, sing the title song. Yeah? Clap, clap. What made you take that chance? I think that title song was...
literally a title song there where yeah. Her voice comes across there, Shaan Se. I was absolutely, it set the mood for the yep. whole film brilliantly. Yes, some of the core audience was disappointed to begin with, and they felt, they probably were waiting for a reenactment of Gabbar yeah. and things like that, and it was, which was all very earthy. And here, this one was so sophisticated, this yeah. futuristic den and crocodiles and the yeah. water and things. We went the Bond way. Yeah. I said, if we go the Western way for a Western, why can't we go the Bond way for a city? But so, India was not ready at that stage. But probably. But Usha, do you remember singing the song? Let your mind. Hi, everybody. Namaskar, namaskaram, sat sri akal, salaam alaikum. Thank you so much. Do I remember singing that song? Yeah. There is no show for me without Shaan Se. Really? And I would say thank you to him for having the faith in getting me to do that song, mainly because, I mean, every musician, every technician, and so many singers are getting roti kapda makan because of you. Because of Shaan. And all the wonderful